Hey guys, welcome back again on my channel. This is me, your lucky boy. और गाइस, दिस इज माय डे टू इन अंडमान और मैं हूँ अपने गेस्ट हाउस के बाहर यहाँ पर और मैं वेट कर रहा हूँ ऑटो का. सुबह के बजे हैं 6 और मैं जा रहा हूँ हद्दो जेट्टी, जहाँ से मैंने लेनी है फेरी पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक के लिए. और मैं रुकूँगा हैवलॉक में अगले 3 दिनों के लिए. सो लेट मी जस्ट गेट इन टू द ऑटो एंड क्विकली रीच द जेट्टी. और 2 घंटे पहले आपको पहुँचना होता है. ज़्यादा घंटा हो गया ऑटो नहीं मिला और यहाँ पे कैब वैब चलती नहीं है, तो अगर आपको कहीं जाना हो तो थोड़ा सा टाइम जल्दी निकाल के चले. सो गाइस, फाइनली ऑटो मिल गया और अब जा रहे हैं हम जेटी पे. तो गाइस, फेरी बोर्ड कर ली है और यहाँ पर भी डिफरेंट क्लासेस हैं. ये जो आप देख रहे हो ये इकोनॉमी है और यहाँ से आप ऊपर जाते हो डीलक्स क्लास है यहाँ पर. One more class here. सो गाइस, आई हैव रीच्ड हैवलॉक आइलैंड और फेरी के अंदर मैं आपको बताता हूँ जो 3 क्लासेस हैं, जिसके अंदर एक इकॉनमी, डीलक्स और सुपर डीलक्स है. मेरे ख्याल से इकॉनमी जो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो डीलक्स और जो सुपर डीलक्स है उसके अंदर यू नो जगह कम है और जो विंडोज़ वगैरह हैं वो भी कम है. बस ये है कि वहाँ पर थोड़ा हलचल और जो चहल पहल है वो कम होती है. और ऊपर जो डीलक्स और सुपर डीलक्स में उसमें आपको कुछ खाने के लिए भी मिलता है. और एक चीज़ और बताता हूँ गाइज, फेरीज जो है यहाँ पर गवर्नमेंट फेरीज भी हैं और प्राइवेट फेरीज भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट फेरीज के लिए आपको लगभग 2-3 दिन पहले टिकट लेनी होती है और उसमें लोकल्स को प्रेफरेंस दी जाती है. और टिकट लेने भी अगर आप जाते हो तो सुबह 5 बजे आपको जाना पड़ता है. तो प्राइवेट फेरीज ही जो है एक ऑप्शन रहता है आप लोगों के लिए. और उसमें भी कुछ ही फेरीज हैं जिसमें ओपन डेक, मतलब कि आप बाहर आ सकते हो. तो अभी जितने भी प्राइवेट फेरीज मैंने देखी है, जैसे सी लिंक हो गया और मैक्रूज हैं जो फेमस हैं, उनमें ओपन डेक फैसिलिटी नहीं है. और एक इम्पॉर्टेंट और बात बताता हूँ गाइस, सबसे पहले अपनी फेरीज बुक कराओ, इनफैक्ट फ्लाइट टिकट से भी पहले, क्योंकि फेरीज बहुत जल्दी बिक जाती हैं. सो गाइस, मैं अपने होटल पहुंच गया हूं. होटल का नाम है सेंसेस हैवलॉक और मैं आपको रूम दिखाता हूं अभी. सो गाइस, दिस इज द रूम, अ बेड एंड वॉशरूम एंड दैट्स प्रीटी मच इट. एंड आई एम पेइंग 3000 रुपीस पर नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट हियर. सो गाइस, यूजुअली मैं इतना एक्सपेंसिव होटल जो करता नहीं हूँ, लेकिन अंडमान में अगर आप आते हो तो स्टे थोड़े से एक्सपेंसिव हैं एज इट इज़. और हैवलॉक में भी अगर आप एवरेज कोई रूम लेते हो तो भी 1500-1700 के आसपास पड़ता है आपको. अब मैंने ये जो सेंसेस हैवलॉक जो होटल है मैंने बुक किया है, उसकी 2 वजह है. एक तो क्योंकि यहाँ पर सनसेट हो जाता है लगभग 5 बजे के आसपास, तो काफ़ी टाइम आप अपने रूम पर ही स्पेंड करते हो और इतनी नाइट लाइफ, मतलब कोई ऐसे पार्टीज़ वगैरह नहीं होती हैं यहाँ पर, तो ज़्यादा टाइम आप रूम पर स्पेंड करते हो. और दूसरा, अगर आप इस होटल में आते हो, इनका अपना प्राइवेट बीच है, ये रहा मेरे पीछे, बीच का नाम है विजयनगर बीच. तो ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से मैंने जो है ये होटल बुक किया है. पानी बिल्कुल क्लीन है एज एक्सपेक्टेड और बहुत ही काम बीच है, ज़्यादा रश भी नहीं अगर आप बीच पे देखोगे तो. और बहुत ही खूबसूरत व्यू है.
सो गाइज, मैं विजयनगर बीच, जो इनका प्राइवेट बीच है, वहाँ से वापस आ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ एलिफेंट बीच। वो फेमस है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए और स्कूटी भी मैंने रेंट पे ले ली है। स्कूटी का रेंट है 400 रुपीज़। और गाइज, एलिफेंट बीच पहुँचने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक तो जेटी का, एक होता है ट्रैकिंग का। ट्रैकिंग अभी फ़िलहाल बंद है और जेटी कुछ 1000 बक्स में हो रही है, जिसके अंदर स्नॉकलिंग कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है। सो मैं चलता हूँ, जल्दी से पहुँचता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ से कैसा है। मैं पहुंच गया हूं जहां से बोट जाएगी एलिफेंट बीच के लिए और आई पेड 1000 रुपीज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, स्नॉकलिंग कॉम्प्लीमेंट्री है उसके अंदर। मेक श्योर यहां पे मास्क वगैरह ना उतारे क्योंकि यहां पर भी चालान है काफ़ी ज़्यादा। सो विल टेक 30 मिनट्स फ्रॉम हेयर टू रीच द एलिफेंट बीच और वहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आप करना चाहें तो। अभी जाके मैं देखता हूँ कि अगर कोई मैं एक्टिविटी करता हूँ या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड। सो ऑल रेडी गाइस। सो गाइस, आई हैव रीच एलिफेंट बीच और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पर और काफ़ी टूरिस्ट भी आए हुए हैं। सो आई विल जस्ट शो यू अराउंड एंड प्रोबली इन अ वाइल आई विल डिसाइड कौन सी एक्टिविटी मैं करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी मज़ेदार एक्टिविटीज़ दिखी हैं। सो स्टिक अराउंड। सो गाइस, यहाँ पर हैं सारे आउटलेट जहाँ से आप जो भी एक्टिविटी करना चाहते हो बुक कर सकते हो और ये हैं आपकी एक्टिविटीज़। जितनी भी एक्टिविटीज़ दिख रही हैं 600 रुपीज़ पर एक्टिविटी। और गाइस, साथ ही में यहाँ पर होती है सी वॉक एक्टिविटी, अगर आप ये करना हो तो इसके चार्ज हैं 3500 प्लस पिक्चर्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन वीडियो चाहिए तो उसके 500 एक्स्ट्रा। सो गाइस, एलिफेंट बीच जो है बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल है और जितनी मेजर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो यहाँ अवेलेबल हैं, एक्सेप्ट स्कूबा यानी होती है। स्कूबा के लिए आपको दूसरा कोई और बीच है वहाँ जाना पड़ता है। और गाइस, यहाँ पर खाने पीने के भी काफ़ी ऑप्शन हैं और यहाँ पर लस्सी वगैरह मिलती है आपको। सो गाइस, यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ है फ़ोन आप साथ में नहीं कैरी कर सकते हो, फ़ोन या कैमरा। तो अभी मैं जाता हूँ, जो एक्टिविटीज़ मुझे पसंद आती है मैं वो करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपको उनके बाद। सो गाइस, मैंने राइड्स ले ली हैं, बहुत ही अमेजिंग राइड्स हैं यहाँ पर। और जो दो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है, एक तो डिस्को, उसका नाम है डिस्को राइड, और दूसरी है पोपराजी या पेपोराजी, मतलब स्टैंडिंग है वो, आप पकड़ के खड़े होते हो और वो बोट से आपको पीछे से ले जाते हैं। बहुत ही अमेजिंग राइड्स हैं और बारिश भी हो गई तो इतना अमेजिंग व्यू, इतना अमेजिंग वेदर, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो मेरे हिसाब से एलिफेंट बीच पे इट्स अ मस्ट, आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। और राइड्स जो आपको देखने में अच्छी लगे आप ट्राई करें, लेकिन जो दो मैंने बताई हैं वो ज़रूर ट्राई करें, यू गाइज आर गोइंग टू लव दैम। सो गाइज, अब जा रहे हैं यहाँ से वापस, एलिफेंट बीच से वापस जाएंगे जहाँ से इन्होंने हमें पिक किया था, और वहाँ से मैं जाऊँगा आगे राधानगर बीच, जो कि फेमस है सनसेट के लिए। ऑल दो अभी क्लाउड्स हैं, आई एम नॉट श्योर वहाँ पर सनसेट नज़र आएगा भी कि नहीं, बट राधानगर जो है यहाँ पर फेमस है अपने सनसेट के लिए, वर्ल्ड वाइड फेमस है इनफैक्ट। सो अगर आप आते हैं तो मेक श्योर कि आप टाइम निकाल के वहाँ ज़रूर जाएं। Thank you.
गाइस वापस आ गए हैं और फटाफट चलते हैं प्रादा नगर इससे पहले कि सनसेट हो जाए। बहुत ही खूबसूरत जगह है यार ये, बहुत ही ज्यादा। सो गाइस आई हैव रीच्ड राधानगर बीच और इट्स 4:40, बट क्योंकि यहाँ पे सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है आई थिंक कि शायद ही नजर आएगा, बट लेट मी जस्ट क्विकली गो देयर। बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आई एम जस्ट सो हैप्पी। बहुत ही खूबसूरत जगह है गाइस, यहाँ पर आने का जो रास्ता है वो भी बहुत खूबसूरत है। जैसे मैं लुक एट द सनसेट, गाइज आई एम नॉट श्योर कैमरे में कैसा नज़र आ रहा है आप लोगों को, बट ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। तो शायद कैमरा कभी जस्टिफाई कर भी नहीं पाएगा जो आप खुद देख पाओगे। सो फ्रॉम माई साइड अंडमान इज जस्ट एन एब्सोल्यूटली गॉर्जियस प्लेस। सो गाइस राधानगर बीच के बाद मैं गया था अपने होटल, शावर लिया, कपड़े चेंज किए और अभी मैं हूँ समथिंग डिफरेंट कैफ़े में। ये बहुत ही फेमस एक रेस्टोरेंट है और आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी है तो बिल्कुल पैक्ड है, यहाँ पर स्क्रीन लगाया हुआ है। सो लेट मी जस्ट शो यू अराउंड। सो यहाँ पर स्क्रीन है, ये सिटिंग एरिया है और आप यहाँ से जाते हो तो आगे बीच है और ये रास्ता है आगे बीच के लिए। एंड लेट मी शो यू the moon, the brightest moon that I've ever seen in my life. So guys, this was all about today's video. I think I should end it here. Or if you ever happen to visit Havelock, please do not miss visiting this place. It's really amazing. So now I'll meet you in my next video for Andaman. So take care of yourself. Bye-bye.